हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेमिंग जोन एंड फार्मिंग सिमुलेटर 22 के सिल्वर मून फर्स्ट मैप के एक और गेम प्ले में आपका वेलकम है। तो लास्ट गेम प्ले जो इस मैप पर था हमारा, उसमें हमने सेल किए थे वुड बीम्स। तो मैं अभी यहीं पर हूँ अपने सामिल पे ऊपर, जहाँ से हमने वुड बीम सेल किए थे। तो यार यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है मुझे। वुड बीम्स को मैं कर देता हूँ बंद, एंड प्री फैब्रिक बोर्ड को भी बंद कर देता हूँ, एंड लॉन्ग प्लैंक्स एंड प्लैंक्स को मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो अभी दो देख सकते हैं आप रनिंग है, एक प्लैंक लॉन्ग्स एंड एक सिंपल प्लैंक्स जो होते हैं नॉर्मल हमारे प्लैंक्स पुराने वाले। तो ये दोनों को चालू करने का मकसद ये है कि अभी हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो होगा फ्लोर टाइल्स की फैक्ट्री लगाना। लगाना तो खैर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लगी लगाई हमको मिल जाएगी। हमको तो बस वहाँ जाकर सामान देना है, अपना डिलीवरी करनी होगी सामान की, एंड अपने आप वहाँ पर हमें फ्लोर टाइल्स बनकर मिल जाएंगी। तो चलिए अब सो जाते हैं, एंड सुबह उठ कर देखते हैं कितना को अपना बन जाता है लॉन्ग प्लैंक्स एंड प्लैंक्स वगैरह। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, एंड ग्रेट डिमांड एंड कंटेनर वगैरह उसके क्या बात है। देखता हूँ थोड़ी देर में क्या प्राइस है कंटेनर वगैरह उसका। तो यहाँ पर और बर्फ ही बर्फ होगी भाई, बर्फ देखो कितनी। और ये देखो यार लकड़ के ऊपर कितनी बढ़िया सेटल हो गई है। हाँ ये चीज़ देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है कि बर्फ जो है इसके ऊपर भी सेट हो गई है, लकड़ी के ऊपर भी। बढ़िया है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना को बना है, लेकिन एक बार प्राइस देखूँ यार। ये कंटेनर वेयर है उसमें क्या प्राइस मिल रहा है? और 5,000, 5,729 डॉलर 1,000 लीटर का। ओ माय गॉड, ये इसमें तो यार एक आधा कंटेनर अगर बेच दे तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा ना। बढ़िया यार ये तो। चलो देखते हैं, फिलहाल तो प्लैंक्स के तो दो ही पायलट आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें 5,000 लीटर एक है तो इसलिए मटेरियल भी मिसिंग आ रहा है। ओहो यार मटेरियल मिसिंग मतलब लकड़ियाँ ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो लकड़ियाँ भी और देनी पड़ेंगी। चलो फिर वो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो इसको बंद कर देते हैं। तो अभी चलते हैं। चलो ये जो सामान आया है जितना को आया थोड़ा ही है वैसे, लेकिन बहुत है हमारी जरूरत के हिसाब से, मुझे लगता है बहुत है। हमें जितने को फ्लोर टाइल्स चाहिए, क्योंकि फ्लोर टाइल्स मैं बेचने वाले के लिए नहीं बना रहा, ये फ्लोर टाइल्स हमें चाहिए हैं हमारी बोट फैक्ट्री के लिए। नेक्स्ट गेम प्ले में गाइस मैं लगाने वाला हूँ बोट फैक्ट्री, मतलब लगाने वाला नहीं, वो भी लग गया इस मैप के ऊपर है, बस उसको हमने यूज करना होता है। तो उसके ऊपर जो जो सामान हमको देना है वो सारा लगभग हमारा रेडी हो गया, सिर्फ फ्लोर टाइल्स की कमी है। तो फ्लोर टाइल्स आज हम बना लेंगे। तो चलिए पहले तो ये फटाफट से सामान अपने ट्रैली के ऊपर रखते हैं, जो भी ये है लॉन्ग प्लैंक्स एंड प्लैंक्स। तो प्लैंक्स के पैलेट तो मैं हाथ से उठा लूँगा, दो ही हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े पैलेट है ये हाथ से उठते नहीं हैं, तो इनको इस मशीन के साथ ही उठाना पड़ेगा। तो फटाफट से एक एक करके इनको उठा लेते हैं, एक एक करके जरूरत नहीं है, दो दो करके उठा लेते हैं। तो ये 2, 4, 6 हैं, 6 तो ये हो गए। एक वहाँ पर शायद पड़ा होगा, अंदर भी होता है, मैंने आपको दिखाया था ना एक दिन, अंदर भी पैलेट आता है, एक आता है वहाँ पर, ज़्यादा नहीं आते। तो एक वहाँ पर हो जाएगा, 7 हो जाएंगे टोटल। तो चलो यार करते कराते, कुछ पैलेट तो रखे गए, एंड सीधे नहीं रखे जा रहे एक्चुअली, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से करता तो शायद। अरे ये कहाँ अटक गया? ओबे यार चलो ठीक है, हो गया ये भी। तो ये पैलेट तो रखे गए चाहिए, एक अंदर भी था, देख कर आता हूँ पहले इसको, मैं थोड़ा स्ट्रैप कर दूँ। ये भी हो गया, ठीक है एक और कर देते हैं, सही हो गया सारा स्ट्रैप। तो ये हाथ वाले भी उठा लेते हैं, ये तो हाथ से उठने हैं, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 5,000 लीटर का एक है ये। तो ये क्योंकि आपको पता ही है पुराने पायलट हैं, ये जब गेम रिलीज हुई थी 2021 में, तो तभी ये गेम के साथ ही बने बनाए, मतलब तभी से बनते हैं, मतलब ये क्योंकि दूसरे जो पायलट हैं ये जो नए बना रहे हैं, ये सारे नई जो प्लेटिनम एडिशन आया है जो अभी नवंबर में रिलीज हुआ था, तो ये नए पायलट उसके साथ आए हैं। लेकिन ये प्लैंक जो है जो मैं अभी हाथ में उठा रखा है ये उससे पहले का है, इसलिए ये मोड़ की मदद से जो है बन जाता है। चलो ठीक है ये भी हो गया। तो अभी देखते हैं दूसरा, चलो इसको स्ट्रैप हो गया। तो अभी वहाँ पर एक पैलेट पड़ा हुआ है, देखता हूँ, हाँ दिख तो रहा है यहाँ से, वो देखो पड़ा हुआ है लाल लाल बिल्डिंग के पास, तो उसको उठा कर ले लेते हैं। अरे वहाँ पर एक और पैलेट भी पड़ा हुआ है, शायद ये वुड बीम का होगा, इसका तो एक ही होता है, लेकिन ये होगा ना इसका, हाँ ये देखो ये प्लैंक लॉन्ग ही है। चलते हैं चलो इसको लेकर।
तो ये गाइज आ गया अपना आखिरी पैलेट प्लैंक लोंग्स का, तो इसी के साथ ये काम तो निपट गया। तो मशीन को यहीं खड़ा कर देते हैं एंड चलते हैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ से। देखते हैं अभी कि वहाँ पर कितनी को रिक्वायरमेंट है, हालांकि मुझे लगता है अपनी जितनी को फ्लोर टाइल्स हमको चाहिए उतनी को रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी इनसे, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा कितना को चाहिएगा तो बाद में देखते हैं। चलते हैं एक बार तो इसे लेकर। तो ये है शायद फ्लोर टाइल्स की फैक्ट्री, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो फ्लोरिंग फंटेसीज, फंटीज ये क्या है यार, फंटेस्टिक तो नहीं है, फंटीज कुछ हो रही है। तो ठीक है यहीं पर हमको ये देना होगा। तो किस तरफ से देना है यार, यहाँ पर तो कोई मार्क नहीं बना हुआ, आई थिंक किस तरफ से देना होगा। हाँ ये रहा निशान, तो यहीं से दे देते हैं। तो इसको पहले भेज ही देता हूँ ना, पैसे भी मिल जाएंगे एंड उसके बाद फिर जो है हम इसको बिल्डिंग को खरीद लेंगे एंड फिर अपना प्लैंक बनाने शुरू कर देंगे, फ्लोर टाइल्स बनाने शुरू कर देंगे। कितने के हो गए, 76,000। अरे क्या बात है, 76,214 डॉलर टोटल अपने हो गए हैं, 3,60,000। इसमें से ज़्यादातर तो अभी वैसे ख़त्म हो जाएंगे। पहले ट्रैक्टर को साइड पर खड़ा करते हैं एंड फिर देखते हैं कितने की है ये फैक्ट्री। अरे यार ये तो काफ़ी महंगी है, चलो खरीदनी तो सही, 1,10,000। तो 2,50,000 रह गया अभी एंड ये देखो सारा जो मैंने सामान बेचा था अभी अंदर ही पड़ा है। देखो 7,000 लीटर फ्लोर प्लैंक लॉन्ग्स हैं एंड 10,000 लीटर प्लैंक्स नॉर्मल। तो दोनों को एक्टिव कर देते हैं क्योंकि दोनों से एक ही चीज़ बनती है जो कि है फ्लोर टाइल्स एंड वही हमको चाहिए है। तो चलिए इसका काम तो आज के लिए फिनिश हुआ, लेकिन आज और भी बहुत सारे काम हैं तो देखते हैं एक एक करके सारे करते हैं। एंड चलिए चलते हैं फिलहाल तो यहाँ से। तो नेक्स्ट काम अब एक काम तो ज़रूरी है यार, सामिल के लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल, वहाँ पे वुड ख़त्म हो गई है तो वहाँ पे वुड भी देना है, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें खरीद लेते हैं यार, पैसे हैं अपने पास। चलिए इस शॉप पे आ गए हम, तो शॉप पे आ गए तो एक तो यार ट्रक खरीदता हूँ यार मैं, ट्रक अभी ये ट्रैक्टर तो चलो है ही है, लेकिन एक आधा ट्रक ट्रक हो जाए ना बढ़िया सा तो मज़ा आएगा। ये नए आए हैं ट्रक वोल्वो के इस प्लैटिनम एडिशन के साथ, तो ये देखो काफ़ी बढ़िया है, डैगरविन ने इसको यूज़ किया था, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था तो यही ले लेते हैं, इसको बढ़िया सा कलर कर लेते हैं। तो चलिए गाइस इसको मैंने कलर जो भी करना था सारा कुछ करके रेडी कर लिया है, तो अभी इसको खरीद लेते हैं, लीज पर लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं, खरीदते ही हैं। तो चलिए ये तो हो गया एंड अभी और क्या चाहिए हमको, हाँ एक ये लकड़ी वाला जो होता है वुड का स्पेशल, वुड के लिए यही सही रहता है। तो चलिए इसको भी मैंने कलर, ये तो सही, हाँ ये ठीक है, वो स्पेयर तो थोड़ा अजीब लग रहा था, ये तो यही ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया, और अभी कुछ ले सकते हैं, हाँ एक कंटेनर भी लेना था क्योंकि एक कंटेनर भर के बेच दे तो पैसे कम कम हो गए हैं काफ़ी, तो पैसे तो कम हो गए तो बढ़िया नहीं रहेगा, तो ये ठीक है। चलो तो कंटेनर भी हो गया, तो सारा कुछ हो गया। ये रही अपने कंटेनर किधर गया भाई, अच्छा कंटेनर वो इतनी दूर जाके आ गया, चलो ठीक है। पहले तो ट्रक को देखते हैं, ट्रक बढ़िया है वोल्वो का VNX300, ये इसकी लाइटें देखो यार बढ़िया है एंड शेप कितनी बढ़िया आगे से बनी हुई है, अग्रेसिव सी लुक है अंदर पूरी एंड ऊपर से देखो बीकन इसके एंड दो दो साइलेंसर लगे हुए हैं एक्सोस्ट, तो बढ़िया ट्रक है। अभी इसके ऊपर लोड जब पूरा भरेंगे फिर मज़ा आएगा इसको चलाने का, फिर देखते हैं कितना को लोड खींचता है, कितनी को स्पीड पकड़ता है। चलो फिलहाल तो इसको साइड पे जाके खड़ा कर देते हैं क्योंकि इसका अभी जरूरत नहीं है, अभी तो हमको पहले एक वुड कंटेनर भर के बेचना है, पैसे बहुत ही कम हो गए हैं, 45,000 रह गए हैं बस। तो एक वुड कंटेनर भर के, अरे मेटल देखो यार अपनी मेटल फैक्ट्री में मेटल कितना आया पड़ा है, क्या बात है। एंड अभी तो इसके अंदर बहुत सारा आयरन और भी है, ये देखो मेटल ही मेटल हुआ पड़ा है। इसको बेचकर भी पैसे हम कमा सकते हैं, लेकिन इसको बेचना मुझे लगता है फिलहाल अच्छा ऑप्शन नहीं है, फिलहाल हम इसका यूज कहीं और करेंगे, जैसे मतलब बोट बनाने में भी इसका यूज होता है, हालांकि मेरे को पता नहीं रियल लाइफ में यार बोट
पोर्ट के अंदर लोहा भी मेटल भी कहीं होता है, लेकिन मेरे को नहीं पता भी होता होगा यार, तभी तो इस गेम बनाने वालों ने इसका ऑप्शन दिया है। तो टैली हैंडलर कहाँ है भी अपना? टैली हैंडलर चाहिए था, ये रहा टैली हैंडलर, यहीं खड़ा हुआ है। तो टैली हैंडलर के साथ कंटेनर उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं, एंड उसके बाद फिर कंटेनर को भरते हैं। हालांकि कंटेनर को मैंने आपको पहले भी 2-3 बार दिखाया हुआ है भर के, तो आई होप आप ज़्यादा बोर नहीं हो इस चीज़ को देखकर। हालांकि कई दिन हो गए गेम प्ले आया ही नहीं था, तो ठीक है ठीक है। हाँ इस तरफ से इसको रखना है, बढ़िया हो गया। वैसे ट्रैक्टर के पास ही आ गया बिल्कुल, है ना, ज़्यादा इसको इधर उधर उठा के ले जाना भी नहीं पड़ा। ट्रैक्टर जहाँ खड़ा था अपना, ट्रैली खड़ी थी उसके पास ही आकर ये भी खड़ा हो गया। तो ये जगह है तो ठीक है, थोड़ा सा आगे आने दो भाई। एंड अरे यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो अभी जी जो भी है ऐसे चल जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलो लकड़ियाँ उठा के एंड भरते हैं, देखते हैं कितनी को जल्दी भर जाता है। तो ये सारी आई होप 12 12 मीटर की हैं जो मैंने लास्ट टाइम काटी थी, ये छोटी सी रह गई, इसको तो मैं साइड पे ही रख देता हूँ। अरे नहीं ये तो 12 मीटर की है, क्या बात है यार, बर्फ़ के नीचे दबी हुई लग ही नहीं रही थी कि इतनी बड़ी 12 मीटर की है। मैं सोचा हाथ से उठा ले तो, लेकिन वो हाथ से तो उठी नहीं, एंड नीचे लिखा आ रहा था 12 मीटर। क्या बात है यार, बर्फ़ तो काफ़ी हैवी पड़ी हुई है, इसका मतलब काफ़ी मतलब पूरा बर्फ़ के अंदर सारा कुछ इतना छिप गया, इतनी मतलब हैवी, क्या कह सकते हैं, हैवी तो सही वर्ड नहीं है ना। क्या होगा, चलो छोड़ो यार जो भी। अरे ये इसके ऊपर भी देखो बर्फ़ जम करी है ये क्या चीज़ यार, इसके अंदर बर्फ़ कहाँ से आ गई भाई, देखो अजीब अजीब सा लग रहा है कैसे। चलो अंदर बर्फ़ आ गई भाई, आ गई, अभी क्या कर सकते हो। गेम बनाने का सिस्टम शायद इन्होंने ऐसा कर रखा है भाई, जब बाहर बर्फ़ पड़ रही होगी तो इसके अंदर वाली लकड़ियां भी शायद ऐसी मतलब हो जाएंगी। हालांकि ये जब बाहर पड़ी थी तब तो ऐसी नहीं थी, अंदर जाकर कैसे ऐसी हो गई भाई, अजीब ही है ये सिस्टम भी। अबे ये क्या था, तब 12 मिनट क्यों दिखा रहा था ये? अच्छा यार तब वो फिर किसी और का सिस्टम था, मैं भी यार तभी मैं सोचूं यार दिखने में तो ये छोटी सी लग रही है, लेकिन लिख कर आ रहा है 12 मीटर। अभी आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, जहाँ पर मैंने इसको हाथ लगाया था ना टैली हैंडलर से नीचे उतर कर, वहाँ पर इसका 12 मीटर दिखा रहा था, लेकिन अभी मैंने देखा तो ये छोटी सी दिख रही है, कमाल है यार। चलो अपनी तो अपने पास लकड़ियाँ बहुत हैं, चलो फिर मैं ऑफ द कैमरा भर लेता हूँ इनको। और ये कैसे उठ गई, साइड से उठाने से थोड़ी भारी, एंड भारी भी बहुत है। वैसे मैंने पीछे वेट इसीलिए लगा रखा है ताकि थोड़ा बैलेंस होता रहे, लेकिन ज़्यादा लकड़ियाँ उठाएंगे एंड ऊपर से फिर एक साइड से उठाने से तो ऐसे ही होगा। चलो ठीक है ये भी हो गया, एंड मैं बात कर रहा था, चलो मैं ऑफ द कैमरा इसको भरता हूँ एंड एक कंटेनर भेज देते हैं। हालांकि पैराइस इतना अच्छा चल रहा है 5,000 का, क्या चाहे तुम 3-4 भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं लेकिन पैसे कमाने के इस मैप के ऊपर बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो वही हम यूज़ करेंगे। सारा कंटेनर बेच बेच के तो पैसे कमाने नहीं हैं। आई थिंक ये लास्ट कंटेनर होगा आने वाले काफ़ी गेम प्ले तक, दोबारा मैं कंटेनर जल्दी नहीं बेचने वाला, आज पता नहीं मेरे मन में लालच सा आ गया। तो चलो फिर मैं भरता हूँ फटाफट से, फिर देखते हैं। तो चलो गाइस ऑलमोस्ट अपना जो कंटेनर जो है भर चुका है, आई थिंक ये लास्ट होगा, लास्ट ही है। और नहीं यार अभी तो एक लकड़ी और चली जाएगी, तो ये वाली उठा के फटाफट से इसके अंदर डाल देते हैं। मुझे लगा था शायद भर गया होगा, लेकिन हाँ एक लकड़ी और चाहिए थी, ये वाली दे देते हैं फटाफट से। चलो भाई इसको इधर से उठा देते हैं, एंड वुड कंटेनर का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर लकड़ियाँ अपनी सामिल पर भी देनी है, क्योंकि सामिल पे लकड़ियाँ देनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बोट फैक्ट्री जो है ना उसमें भी सामिल का बहुत सारा सामान चलना है। हो गया, हाँ अब तो हो गया। चलो दरवाज़ा कर देते हैं बंद, एंड स्टैली हैंडल को, अरे दरवाज़ा बंद ही नहीं हुआ, मैंने बटन दबाया तो था, शायद गलत हो गया होगा। ठीक है ये चलो हो गया, 44 40 लीटर लकड़ियाँ, तो 5 × 20 2 लाख से ऊपर बिकना चाहिए, ये प्राइस के हिसाब से तो 2 लाख से ऊपर बिकना चाहिए। अभी देखते हैं क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं होता। तो सामिल की हमें बात कर रहा था, सामिल जो अपनी है जहाँ पर मतलब लकड़ियों का आरा कह सकते हैं इसको, जहाँ पर लकड़ियों का काम होता है, लकड़ी का अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आप बना सकते हो,
तो हमारी जो ओल्ड सो मिल हमने खरीद रखी है उस पे हम बनाते हैं वुड बीम्स, वुड प्लैंक्स, लॉन्ग प्लैंक्स एंड प्रे फैब्रिकेटेड वॉल्स। तो उसमें से तीन चीज़ें हमको जो है वो चाहिए होंगी बोट बनाने के लिए, यानी बोट फैक्ट्री जो हमने है उसमें उसको बनाने के लिए। तो उसमें वुड बीम्स, वुड प्लैंक्स एंड लॉन्ग प्लैंक्स, ये तीनों चाहिए होंगे। तो इसलिए लकड़ियाँ तो वहाँ पर देनी होगी, लेकिन पहले तो ये कंटेनर बेच कर आते हैं यार फटाफट। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, एंड वैसे तो बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है लेकिन स्पीड मैंने फुल रखी हुई है। स्पीड इतनी ज़्यादा रखने से कई बार डर भी होता है, एकदम से स्किड कर जाती है ट्रैक्टर आपका। लेकिन मैंने सोचा चलो यार चलते देते देखते हैं, स्किड हो करेगा तो फिर देखी जाएगी। तो ये है अपना चक्कर, ये देखो ये, ओ बच गया, कहा मैंने स्किड कर जाती है, एकदम फिसल सा जाती है चीज़। लेकिन करते करते पहुँच गए, तो देखते हैं अभी अमाउंट 45,000 है, कितना हो जाएगा। ओ 2 लाख से भी ऊपर, 2,57,800 क्या, क्या बात है यार, इतनी तो मैंने नहीं सोचा था एक कंटेनर से हमें मिल जाएंगे। ये तो मेरी उम्मीद से दुगना तिगना, दुगना तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि 2 लाख तो मैंने सोचा ही था, लेकिन मतलब फिर भी यार बड़ा प्राइस है यार। अभी तो मेरा दिल कर रहा है एक कंटेनर और भेज दूँ भर के, लेकिन नहीं, चलो छोड़ो यार, लालच बुरी बला है, क्या फ़ायदा, अभी और भी काम है अपने पास। हाँ वैसे मैं ऑफ द कैमरा बेच सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोड़ो यार अभी और काम करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है मनी नेक्स्ट गेम प्ले में बोट फैक्ट्री। तो उससे पहले पहले एक दो काम फिनिश कर लेते हैं फटाफट से, चलता हूँ पहले तुम्हें। तो गाइस यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मेरी रिकॉर्डिंग एक्चुअली डिलीट हो गई। तो मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पर लकड़ियाँ काटी थी, लकड़ियाँ काट के भरे है जिस ट्रक को बड़ी मुश्किल से, हालांकि आप देख सकते हैं काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भरा है, काफ़ी टेढ़े मेढ़े तरीके से, लेकिन जो भी है यार मेहनत मैंने बड़ी की थी, लेकिन सारी ही मेहनत खराब ही होगी एक तरह से, क्योंकि सारा गेम मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई, पता नहीं हुई नहीं कि डिलीट हो गई क्या हुआ, मतलब मैंने जाके चेक किया तो वो रिकॉर्डिंग थी ही नहीं वहाँ पर, तो शायद कुछ ना कुछ तो गलती हो गई। लेकिन ठीक है, आप देख ही सकते हैं मेहनत मेरी कि मैंने लकड़ियाँ भरी हैं, अभी ये लकड़ियाँ हाथ से तो उठती नहीं है, सारी मैंने उस मशीन के साथ भरी थी एंड काफ़ी मेहनत कर गई। चलो लकड़ियाँ तो अपनी हैं ही हैं, लकड़ियाँ तो गायब नहीं हुई, तो फिलहाल तो इसको देखते हैं। अरे अब तक एक भी पायलट नहीं आया, मुझे लगता है कल सुबह ही आएगा पायलट, कहीं भी नहीं है, वहीं आना था, उस तरफ ही आना था अगर आता तो, सामने की तरफ, हाँ उस तरफ, ठीक है चलो आ जाएगा, अभी चल रहा है, थोड़ी स्पीड स्लो है इसकी, यहाँ आएगा देखो जब भी आया, फिलहाल तो आया नहीं। तो चलो फ्लोर टाइल्स का तो बाद में देखेंगे, पहले तो धीरे धीरे करके चलते हैं अपनी सामिल की तरफ, लकड़ियाँ लेकर बड़ी मेहनत से भरी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अपनी मेहनत ख़राब हो जाए, तो आराम से चलते हैं। वैसे तो ये ट्रक जो है 55 की स्पीड से जा सकता है, लेकिन मैं तो फ़िलहाल इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ। चलो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अबे रुक ही नहीं रहा है, ओ अबे यार ओ गया, यही तो मैं कह रहा था। चलो फिर भी इतना को अच्छा हुआ कि कम से कम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, अभी देखी जाएगी जो भी होगा, मुझे लगता है शायद अपना काम बन जाएगा, लकड़ियां जो हैं वो जा रही हैं अंदर, पहले तो जीरो था, तो देखते हैं कितना कुछ जाती हैं। अपना ये ट्रक तो कुछ अभी हो नहीं रहा है, हाँ ये देखोगा नीचे 3,000 लीटर हो चुका है, इसका मतलब लकड़ियाँ धीरे धीरे, हाँ अभी 5 हो गया है, तो लकड़ियाँ स्लोली स्लोली करके जो है अंदर जा रही हैं। चलो यार मेहनत मेहनत तो ख़राब नहीं हुई अपनी, वरना तो गड़बड़ हो जाती, या तो मुझे रीसेट करना पड़ता या फिर कुछ ना कुछ और करना पड़ता, लेकिन अभी तो ठीक है। तो अपने अपने दोबारा से चालू कर देते हैं दोनों सिस्टम अपने, लॉन्ग प्लैंक्स एंड वुड बीम्स के, नॉर्मल प्लैंक्स भी तो चाहिए था यार, ये भी तो एक्टिव करना है, तो तीनों कर दिए मैंने एक्टिव, तो ये बनने लग जाएंगे नेक्स्ट गेम प्ले तक अपने, काफ़ी सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि एक आधा ट्रक और लकड़ियों को भर के मैं ले आऊँ यहाँ पर, फिलहाल तो ये जा रही हैं, देख सकते हैं आप धीरे धीरे करके 10,000 हो गई हैं, जीरो था शुरू में तो अभी, लेकिन 10,000 हो गया, ये धीरे धीरे करके अपने आप ही जाती हैं, इसको एकदम से आप भेज नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लो आप, चाहे आप डैगरविन हो या चाहे आप मिस्टर स्लीपी हो, ये अपने आप धीरे धीरे ही जाती हैं। चलो ठीक है ये जाती रहेंगी, तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट गेम प्ले में, ऐसे गेम प्ले यही एंड करने, कैसा लगा आपको यार, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपसे नए गेम प्ले के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।